सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। हमें इस पूरी वैल्यू को सोल्व करके बताना है मेरा आंसर ए बी सी डी में से कौन सा है। सबसे आसान तरीका है कि सभी वैल्यू को साइन थीटा और कोस थीटा में बदल दें। सेक एक का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक बटे में कोस ए प्लस टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे में कोस ए ब्रैकेट बंद। ये तो पहले ही साइन में है तो इसको चेंज नहीं करते हैं। तो कोस कोस मेरे बटे में है तो कोस ए मेरा ऐसे कैसे आ जाएगा, ऊपर जो वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी वो भी ऐसे कैसे लिखी जाएंगी क्योंकि मेरे पास हर में वैल्यू सेम है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी का इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, इस केस में a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है साइन a, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर a हो जाएगा, बटे में मेरे पास रहेगा सिर्फ कोस a। स्केयर करेंगे 1 का तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो साइन स्क्वायर a भाग में मेरे पास जाएगा कोस a। तो हमारे पास साइन स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1। तो मेरे पास 1 माइनस में है तो इस पूरी वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा और मेरे को वैल्यू दे देगा कोस स्क्वायर a की, यानी कि इस पूरी वैल्यू की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर a भाग में कोस a, स्क्वायर से कोस कट जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा सिर्फ कोस a, कोस a हमारा आंसर हो जाएगा डी।